गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं क्लास सिक्स का साइंस का क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, जिसमें मैं इसके पहले वाली वीडियो में मैं लिखवा दिया था डी नंबर क्वेश्चन का, और आज मैं क्वेश्चन नंबर एफ लॉन्ग आंसर एंड टाइप क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पूरे फुल नहीं लिखवाए हैं, और आप लोग अपनी बुक से फुल क्वेश्चन को लिख लेंगे। मैं सिर्फ हल्के से लिखवाए हैं और बीच में मैंने यहाँ गैपिंग करके छोड़ लिया है, जो कि आप लोग इससे अपनी बुक के माध्यम से इसे कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन है, विथ द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट प्लांट पार्ट सर्व एज सोर्स ऑफ फूड। तो ऑफ फूड जो है लास्ट में है, मैंने लास्ट में इसको इंडिकेट कर दिया है। इसका आंसर मैं लिखवाया हूँ, ग्रीन प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के विभिन्न पार्ट जो होते हैं, विच सर्व एज विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हम लोग पौधों के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर द डीकंपोजर्स एंड स्क्वेंजर्स। व्हाट आर द डीकंपोजर्स एंड स्क्वेंजर्स, पहला क्वेश्चन यही आता है, फिर इसके में इसी में है, हाउ आर दे यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। क्वेश्चन लिखवाए हैं कि डिकम्पोजर्स एंड, उसका आंसर लिखवाए हैं, डिकम्पोजर्स एंड स्क्वेंजर्स ब्रीक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल्स, दे आल्सो ब्रीक डाउन the waste of other organism. Decomposers are very important for any ecosystem. यानी ये जो ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को समाप्त कर देते हैं, नष्ट करने में सहायक होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं लिखवाया हूँ, डिस्क्राइब एनी फाइव कॉमन डेयरी प्रोडक्ट। लिखवाए हैं आंसर कि सोर्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट चीज, सोर्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट चीज, क्रीम, बटर, घी, कर्ड, ईटीसी और वेरियस प्रोडक्ट दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। ये ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो दूध के माध्यम से उसे तैयार किए जाते हैं। आज मैं सिर्फ तीन क्वेश्चन को ही रहने दे रहा हूँ, आप लोग तीन क्वेश्चन को ही लिखेंगे, और इससे देखिए नियमतः आप इसे अपने नोटबुक पर उतारेंगे लिख करके, और आप लोग इसे याद करेंगे, ठीक है। और इसके आगे जो मैं अगले वीडियो में इसे लिखवा दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।